यस आई मीन यू नो जब इंटरनेट है, जब नई टेक्नोलॉजी है तो फिर नई नई बाधाएं और प्रॉब्लम्स भी होंगी. सो नोबडी वांट्स देयर फिल्म टू लीक या पहले रिलीज हो जाए, उसमें नुकसान ही होता है. और आई थिंक अभी रूल्स और स्ट्रिंजेंट हो जाएंगे और जितने भी जगहों से लीक होती है पता नहीं चलता कैसे होगी. बहुत मुश्किल है, मतलब ये आई थिंक यहीं पर नहीं दुनिया में ये प्रॉब्लम है. फॉरेन फिल्में भी जो हैं एक दिन पहले रिलीज हो जाती हैं. और हम आप में से भी ज़रूर ऐसे लोग होंगे जो गलती करते होंगे कि उसको वहाँ पे देख भी लेते होंगे. सो ओनली रिक्वेस्ट कैन बी कि आप उसको ऑनलाइन ना देखें, थिएटर्स में देखें या जहाँ पे जिसका प्लेटफॉर्म है वहाँ देखें. एंड आई एम श्योर रूल्स आएंगे बिकॉज देर इज अ टेक्नोलॉजी विच कैन डू दिस, देन देर विल बी अ टेक्नोलॉजी डेवलप इन टर्म्स ऑफ रूल्स विच विल स्टॉप इट आल्सो. Hi Shahrukh sir, this is Ruby, I'm from Pinkura, to your right. Sir, how was you, for some time back you walked in with Abraham and you waved to your fans. What was the best thing that you did to them? Yeah, well, yeah, sir, mujhe bhi kehte hain Abraham. Abraham. Haan, ekdam kuch American sound karne lage. Abraham. And amun jab koi aisa din hota hai, janam din ho, Diwali ho, Eid ho, to log बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और आई थिंक नाम लेते हैं ऊँचा ऊँचा, अंदर आवाज़ आती है घर में और वो जो है सुबह बड़ा एक्साइट हो जाता है और कहता है पापा 50 हैव कम. सो वो मैं एक्चुअली आई बी ऑनेस्ट, मैं रात को काम कर रहा था तो मैं सोया बहुत लेट. मैंने यही सोचा था आप लोग जो है 4:30 बजे मुझे मिलना है, यू हैव समथिंग टू ईट बाई 3:30 एंड देयर आई मीट यू. तो मैं आराम से 2:30 बजे उठा. बट ही केम टू माई रूम एंड पापा 50 हैव कम, पापा 50 हैव कम. वो अपना कुर्ता पजामा पहन के रेडी था बिकॉज वो सो जाता है. सो या दैट्स वेरी नाइस, ही ऑलवेज आई डोंट नो हाउ ही फील्स इट क्योंकि उम्र में बहुत छोटा है, बट ही रिस्पेक्ट्स द फैक्ट दैट पीपल हु लव मी एंड एडमायर मी कम आउटसाइड द हाउस एंड ही मेक्स इट अ पॉइंट कि मेरा हाथ पकड़ के वो मुझको बैल्कनी पे लाता है. देन आई गॉट हिम आउट बिकॉज आई थिंक इफ ही रिस्पेक्ट्स इट सो मच ही शुड गिव बैक द रिस्पेक्ट इवन एट दिस एज. व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर ब्रॉट इन माय लाइफ? आई हैव लॉट्स मोर टॉयज टू प्ले विद. नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो मैं दिखाऊंगा छोटी गाड़ियाँ, साइकिल्स, आईओहॉक, फ्रीगो. सो ऑल दीज थिंग्स नाउ आई हैव एन एक्सक्यूज टू बाय. तो मेरे पास एक बहाना है कि मैं खिलौने जाकर खरीद सकूँ अब्राहम के नाम पर और खुद खेल. वर्ड्स टू एनीवन हु स्टार्टिंग और कंटिन्यू विद एजुकेशन इज प्लीज गिव इट योर बेस्ट. Education is not only about the books that you will read there, but the people that you meet in schools and colleges. I want in my country everyone to be least educated of log us baat ko sunte hain aur uska notice karte hain. So main jitni bhi baatein kar raha hu usme agar ek baat zindagi mein koi aadmi thaan le wo ye hai ki padhai ko jo hai sabse zyada ilm ko sabse zyada importance apni life mein hai. So I think being educated is very important for all of us and koi bhi age choti ya badi nahi hai padhai ke liye. हम में से बहुत लोग हैं, मैं जानता हूँ लोगों को जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया. एंड आई टेल देम आल्सो यू कैन कंटिन्यू बैक एंड स्टडी अगेन, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टडी. सो आई टेल माय सन एंड ऑल द सन्स एंड डॉटर्स आउटसाइड दैट प्लीज एजुकेट योरसेल्फ, इट विल ऑलवेज होल्ड यू इन गुड स्टेड. यस ऑफ कोर्स, लेकिन जहाँ तक मुझको नॉलेज है सलमान के घर का खाना बहुत अच्छा होगा और हम ज़्यादा वेट करते हैं. जहाँ तक मुझको नॉलेज है, प्लीज़ मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे किसी घर से आया वो अच्छा नहीं है, सभी का अच्छा होगा. बट वहाँ पे जो है बहुत पकवान बनता है. सो मोस्ट प्रॉबली आइदर वील गो देयर, ही कम देयर, और वील गो टू आर मिस, विल ट्राई फिक्स अप सम प्लेस जहाँ पे तीनों बिरयानियों को मिलाकर मिश्रण करके हम खा सकते हैं. मुझे याद है कि आपने हमको एक बार बताया था कि आप बचपन में बाइक वगैरह पे जाया करते थे, और आपने एक बार इच्छा जताई थी कि आई विश आई कुड डू दैट विद माय किड्स. हैव यू एवर मैनेज्ड टू डू दैट लाइक टेक योर किड्स ऑन अ टू व्हीलर आउट ऑन द स्ट्रीट्स? आई वेंट वंस विद सोनाना, बट इतने लोग आ गए थे फिर थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया. एंड द मॉर्निंग आई थिंक आर्यन वाज आल्सो विद मी ऑन द साइकिल. बट यस, व्हेन आई एम जब मैं यहाँ पर नहीं होता तो हुडी पहन के चुपचाप से लंदन में या दुबई में साइकिलिंग जरूर जाता हूँ. मेरे पास साइकिलें हैं और बहुत अच्छी साइकिल्स हैं मेरे पास. सो आई टेक दो साइकिल्स आउट विद माय चिल्ड्रन एंड राइड इन लंदन समटाइम्स एंड
लेकिन वो इतना एंजॉय नहीं करते हो यार, उनको ऐसा लगता है ये क्या साइकिलिंग है। तो अब्राम इज लेफ्ट नाउ, सो मे बी नेक्स्ट ईयर व्हेन ही इज अ लिटिल ओल्डर, बट आई डू टेक साइकिलिंग, टेक देम आउट साइकिलिंग ऑन द स्ट्रीट्स। एंड थैंक यू, आई जस्ट स्पीक दैट बोलो धन्यवाद, थैंक यू यार। We have two reasons, yeah. One is, I think me and Salman have said, we've talked about it, कि हम जो सोचते हैं बड़ी फिल्में हैं, ये नहीं कि हम दोनों ही सोचते हैं हमारी बड़ी फिल्में हैं, लेकिन एक बड़ी फिल्म का एक अपना एक लेवल होता है रिलीज वाइज, कि वो 3,500-4,000 थिएटरों में रिलीज होनी चाहिए। और एक दो बार उसके साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ हुआ है, कि जब दो बड़ी फिल्में आती हैं, वी डोंट गेट द थिएट्रिकल रिलीज वी वांट, और जो फिल्मों का बजट होता है परहैप्स वो उसको झेल नहीं पाता कि वो 4,000 थिएटर्स में रिलीज ना हो। सो टिल सच टाइम वी हैव एटलीस्ट 8,000 to 10,000 थिएटर्स फ्री फॉर 1-2 फिल्म्स, आई डोंट थिंक 2 बिग फिल्म्स कैन कम। सेकेंड पार्ट वॉज वी वर स्टिल वर्किंग ऑन इट, जैसा मैंने पहले बताया मुझे चोट लग गई थी, सो देर आर पोर्शंस जिसमें मेरा बॉडी शॉट वगैरह आई कुड वर्क आउट ऑन इट, सो आई स्टिल हैव टू शूट दैट फॉर इट, बट द फिल्म इज रेडी। और हमको ऐसा लगने लगा, हमने दूसरी ऑल्टरनेट डेट सोची थी साल में, लेकिन कहीं ना कहीं पर कोई और एक और बड़ी फिल्म आ रही थी, तो इट वॉज जस्ट लाइक कि वो कहते हैं ना जिसको कि फ्रॉम द फ्राइंग पैन इन टू द फायर वी गो एंड रिलीज विद सम अदर फिल्म। सो वी हैव डिस्कस्ड विद रितिक फॉर कातिल, क्योंकि उसकी शुरुआत हुई है, इट वॉजंट बीइंग मेड, सो होपफुली वी विल कम ऑन 26th or 25th जनवरी नाउ। तो वक्त भी है और अभी भी काम बाकी है, मैंने अभी वो लास्ट शॉट नहीं किया। You know, it's very simple. What is your wish for the country and the world? That everybody should be peaceful and be happy and educated and healthy.